सभी नष्टो मोह पद्मा पदम भाग्यशाली गॉडली स्टूडेंट्स को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। हम पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट्स को बाप टीचर ने कल भी समझाया था कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। यदि हमें स्कॉलरशिप लेना है तो अटेंडेंस में फुल मार्क्स चाहिए। वक्त कम है, मंजिल लंबी है, तेज चलना है, अब तो उड़ने का समय है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, तीव्रतम पुरुषार्थ करो। अब तो बाबा आज लायक ब्राह्मणों की निशानियां भी बताएंगे, तो हमें खुद को चेक करना है। हम रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस पर है ना, तो क्या ड्यूटी है हमारी, कैसे निभानी है हमें, ये सच्ची सेवा क्या है, ये जानने के लिए सुनते हैं 14 मार्च 2024 की बाप टीचर सतगुरु की समझानी। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। पढ़ाई करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, अच्छे नंबर मिलते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ राजाई मिलेगी, ऊंच पद मिलेगा, बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा जो भी नॉलेज देते हैं हमें ग्रहण करना है, ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है। प्रश्न है आज का, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। कौन है लायक ब्राह्मण, क्या निशानी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। सारे पॉइंट्स उसे याद हों। क्या हमें श्रीमत याद रहती है? हाँ, समय पर श्रीमत याद आती है, किसी को सुना सकते हैं। दूसरी बात, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, जो बहुतों को आप समान बनाए। तीसरी बात, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे।
ज्ञान धन का दान पुण्य करना, माना पढ़ना और पढ़ाना। चौथी बात, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। ब्राह्मण परिवार है तो मतभेद होते ही है, विचार सबके अलग हैं, मन भेद न हो, मतभेद में न आए, किसी के मत से प्रभावित न हो, हाँ रूठे नहीं। पांचवी बात, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो, कोई भी दैहिक संबंध, पुरानी दुनिया के संबंधी, देह से रिलेटेड संबंध संपर्क, किसी में भी बुद्धि न जाए। छठवीं बात, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे, याद रहे उसे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, कोई विकार ना हो, भूत ना हो। तो चेक करेंगे बाबा क्या कहते हैं, जिसे बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाए, ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी भी एक दूसरे से मतभेद में न आए, किसी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो और उसमें कोई भूत ना हो, देही अभिमानी हो। ये निशानियां हैं लायक ब्राह्मण की। अब हम चेक कर सकते हैं खुद को। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है, जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, है ना, सब सेट्स वगैरह बनाते हैं और शूटिंग होती है, फिर से वही देखो, फिर खड़ा कर देते हैं, तो फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए, तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए, ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे, इतनी ग्रहण हो जाए कि बुद्धि में हर वक्त यही चलता रहे और अंत में यही याद आए। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, यह है एडुकेशन, शिक्षा है, नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह एडुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते, वर्णों का फर्क तो है ना, मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती, यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए, वो तो सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक या लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है, सिर्फ भारत की ही बात है, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य है तो लड़ाई का प्रश्न ही नहीं, सब कुछ एक है तो शांति है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं, सब हैं भक्त, फर्क भी तुम देखते हो, देख रहे हैं ना, औरों में तो क्या, खुद का वही देखें कि पहले क्या थे अभी क्या है। तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, ऐसे नहीं भक्ति न करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, कोई भूत प्रेत खा जाएंगे तो डर के मारे देखो भक्ति कर रहे हैं ना, कि ये छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, तो डर से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करेंगे तो भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं, तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत हैं वह सब निकल जाने हैं, बल्कि हम मास्टर भूतनाथ बन जाएंगे, अंदर जो भूत हैं समझ से, ज्ञान से, बाबा के साथ रहने से वो निकल जाएंगे। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार, इनको निकालने लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं, बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं, बाबा साथ है, बाबा याद है, तो भूत की हिम्मत ही नहीं है कि वो आ जाए। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं, यह पांच भूत हैं रावण संप्रदाय के, ये सारे भूत 2500 साल के लिए भाग जाते हैं, और ये भूत हैं रावण संप्रदाय के, रावण राज्य कहते हैं, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है, रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं,
इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझो होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। तो माया तो ब्राह्मणों के पास भी आती है ना, बिल्ली आती है, म्याऊं म्याऊं करती है, पूछती है मैं आऊं मैं आऊं, तो जो चाय पानी पिलाएंगे उसकी खातरी करेंगे तो माया बिल्ली आ जाती है। बाकी जो समझू हैं, सयाने समझदार हैं, बाबा के साथ रहते हैं, वो बिल्ली को भगा देते हैं, बिल्ली आती ही नहीं फिर उनके पास में। तो कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, ये सब क्या है, माया ही है ना। आंखें भी धोखा देती हैं, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की यह एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण का चित्र हिस्ट्री हॉल में लगा है, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में दैवी गुण होते हैं, वहां आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो, देह अभिमान नहीं हो, शुद्ध नशा हो, शुद्ध अहंकार हो कि बाबा ने ये बातें हमें बताई हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते, एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको यह किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं है, हमारा कौन है, सतगुरु, उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं और सच खंड में ले जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, खुदा खुद आकर खुद का परिचय देते हैं, सत्य सुनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं सच खंड में। सत एक ही है, सत्य भी एक ही है, गॉड श्रुत कहते हैं ना, और वो अविनाशी भी है। बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ, यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, सबका पार्ट अलग अलग है, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हों तो फिर फीचर्स भी एक जैसे हों, जिसके संस्कार अच्छे उनके फीचर्स अच्छे, कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते। सबके संस्कार अलग, फीचर्स अलग, देखो नेचर अलग, सब कुछ अलग, थोड़ा फर्क जरूर होता है। यह नाटक तो एक ही है, ट्विंस होंगे ना तो भी उनमें फर्क तो होता ही है। बाबा कहते हैं यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। यह गपोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है, कहाँ है मनुष्य और कहाँ पे है, किस प्लेनेट में है, कहीं नहीं है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं यह किसने बताया है, तो नाम लेते हैं शास्त्रों का, शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है, सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया यह चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो हैं वह कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबर वार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहाँ आएंगे, गरीब भी आएंगे, सभी आते हैं देखो बाबा के सेंटर पे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है, क्योंकि बड़े आदमी तो मोबाइल लेके बैठते हैं, वही देखते रहते हैं, उसी में फंसे हैं, इधर आते हैं तो भी पुरानी दुनिया साथ लेकर ही आते हैं। थोड़ा समय दें
तब तो समझे ना। तो बाबा कहते हैं, अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भलाते हैं, परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। प्रतिज्ञा करते हैं, हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। क्लास में पढ़ाई हो रही है, आप क्लास में ही नहीं आओगे तो फिर पेपर आएगा, कैसे लिखेंगे, कैसे पास होंगे, कैसे प्रैक्टिकल देंगे, फेल हो जाएंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं, है ना? ध्यान है ना, अटेंडेंस पूरी चाहिए तो इधर उधर नहीं जाते, छुट्टी नहीं लेते, बुखार रहता तो भी जाते। बुद्धि में रहता है, हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं, मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्होंने को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता, मज़े ही नहीं आता और कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, इधर उधर गए कुछ किए तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं, पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। कलाकार को भी कब आता है अपने कला प्रदर्शन का मजा? जब दर्शक अच्छे होते हैं, श्रोता अच्छे होते हैं, तब अच्छा लगता है ना, तालियां बजती हैं। तो विद्यार्थी अच्छा हो तो टीचर को भी बहुत जोश आता है पढ़ाने में। तो बाबा कहते हैं, पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। अब हम भी अच्छी रीति पढ़ेंगे, चाल चलन बातचीत व्यवहार होगा तो बाप का नाम बाला होएगा ना, तो वही करना है हमें भी। और जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। बुद्धि पर मदार है, बुद्धि पर भी मदार है और पुरुषार्थ पर भी मदार है। अब बुद्धि पर है, समझा तो पुरुषार्थ जरूर करेगा। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। अब तो वक्त बहुत कम है ना, लंबी मंजिल है, तो गफलत नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, आलस अलबेलापन ना हो। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, उल्टी सुलटी बातें सुनाकर कान भर देते हैं, कुछ कुछ बोल देंगे संस्था के खिलाफ, ज्ञान के खिलाफ, भाई बहनों के खिलाफ। तो देखो उल्टी सुलटी बातें बोलते हैं, छुड़ा देते हैं, भड़का देते हैं। परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। खुद का भी तो अनुभव है ना, क्यों किसी की बातों में आना है। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है, इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहाँ से यह पढ़ाई मिल ना सके। दुनिया की कोई भी किताब में ये बातें नहीं है, सत्य ज्ञान कहीं भी नहीं है। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है ना कि कौन पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, ये पढ़ाई और कहीं से भी मिल नहीं सकती है। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं। यह बैंक शिव बाबा की है, शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते, कहते हैं हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है। सबको अनुभव है ना, शिव बाबा का भंडारा, भंडारी भरपूर, कालकंटक दूर।
तो सबकी परवरिश करते हैं बाबा, सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हों, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सकें। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, मिलिट्री में है, सेना में है, गवर्नमेंट सर्विस पे, तो सब देखते हैं ना कि जो लायक होगा उनको ही तो भर्ती करेंगे। तो यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं, सर्विस तो करनी है, बहुत तरह की सर्विस है, नंबरवार तो हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते हैं, याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं, गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा, यह किसको पढ़ा नहीं सकते। तो बाबा के भंडारे से खाना है तो कर्जा चढ़ाना है क्या खुद पर? सेवा तो करनी है ना, सब कुछ अपना सफल भी करना है, सेवा करनी है, तब तो जमा होएगा ना। तो खुद को चेक करना है कि हम यज्ञ में सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, खाली टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। जिस लक्ष्य से आए थे, क्या वैसे लक्षण हमारे हो रहे हैं? उस मार्ग पर हम चल रहे हैं क्या? है चेक करना है, देखना है। गफलत करेंगे तो बाबा को तो पता पड़ ही जाता है, खुद को भी पता लग जाएगा, साक्षात्कार होगा, कम पद मिलेगा, क्या करेंगे फिर, पछताएंगे। तो बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, 7 दिन का मार्जिन दिया बाबा ने। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। रोज की मुरली का पॉइंट कंठ रहता है, हमें याद रहता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही हैं, यहाँ भी ऐसे ही हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे? हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा का हर बच्चा स्टूडेंट भी और टीचर भी, पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो? कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे? आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो करेगा सो पाएगा। फॉलो ब्रदर सिस्टर तो बाबा ने बोला नहीं है, फॉलो फादर करो, बाबा से और मुरली से सारे डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट। देखो बाबा क्या कहते हैं, निमित्त हैं, जो इंचार्ज हैं उनका रिगार्ड भी रखना है, लेकिन कोई मतभेद हो तो पढ़ाई तो नहीं छोड़ देनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? यह भी ड्रामा। बाबा कहते हैं ना, मैंने क्या किया, मुझे क्यों छोड़ देते हो? अब क्या करें, ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं, यह शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। खर्चा क्या है, हम तो सफल करते हैं ना, परिवार में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, डोनेशन नहीं होता है, खुद के लिए कर रहे हैं ना, खुद ही यूज करते हैं, बाबा तो अभोक्ता है। यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्मों की प्रलब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नरसे नारायण बनने के लिए, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी माताओं का बाला होता है,
ड्रामा में माताओं के उन्नति की भी नोंद है। ऐसे देखो परिवार में कहते हैं ना माताएं आपस में लड़ती हैं, लेकिन भगवान की पाठशाला में आकर देखो बाबा कहते हैं माताएं क्या करती हैं, आगे नंबर ले जाती हैं, आपस में सब एक दूसरे से रूठ जाते हैं, माताएं आगे बढ़ जाती हैं। तो माताओं का नाम बाला है, ड्रामा में माताओं के उन्नति की भी नोंद है। भगवान के आने से देखो माताओं की स्थिति कितनी ऊंची हो गई। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे, मैं तो देह हूँ, ऐसा मानेंगे तो बातें सुनाई देंगे, कान से सुनेंगे, और मैं आत्मा हूँ तो आत्मा को तो कान नहीं है ना, जब देह में आते हैं तो कान से सुनते हैं, तो मैं आत्मा हूँ सुनो ही मत किसी का। तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी होकर रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे, यह पक्का अभ्यास करो हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं यह सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो, 8 घंटा धंधा 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। 8 घंटा अपना धंधा करो, गृहस्थ व्यवहार में जो जिम्मेवारी है वो भी निभाओ, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा रूहानी सेवा करो। सोए भी बाबा के साथ तो वो भी योग में काउंट हो जाएगा, और बाबा को साथ में रह के कर्मयोगी हैं वो भी योग में काउंट हो जाएगा, तो पूरे 24 घंटे बाबा के साथ रह सकते हैं, कितनी कमाई है देखो। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, 8 घंटा भी जो सेवा के लिए बोला बाबा ने, तो बाबा को सेवा की जरूरत थोड़ी है। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो, मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है, 1,000 2,000 5,000, हाँ चलो अभी और ज़्यादा मिल जाए, लाखों में मिल जाए, लेकिन वो तो विनाशी है, साथ जाएगा। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो, कहते हैं ना सरकारी दामाद बन जाओ बहुत सुखी है, तो कौन से सरकार का, रूहानी गवर्नमेंट का बन जाओ तो देखो 21 जन्म के लिए सुखी हो जाएंगे, पद्मा पदम पति बन जाते हैं, 21 जन्म क्या पूरे कल्प के लिए भाग्य बन जाता है। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए, 8 रत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे, 8 घंटा बैठ के, 4 घंटे से शुरुआत करो, 4 घंटा बैठ के योग, यथार्थ योग, ऐसे नहीं कि चलते फिरते कर लिया, वो तो करना ही है, लेकिन अपना 4 धीरे धीरे बढ़ाना है। अष्ट रत्न क्वालिटी की आत्माएं जो 8 घंटा बिल्कुल यथार्थ बाबा को याद करती, भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता है जो वर्षा मिले, यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। देखा ना दादियों को अथक सेवाधारी, दिन भर बाबा बाबा बाबा, डबल विदेशी बच्चों को देखो, बाबा का ये बाबा का वो, बाबा बाबा बाबा, ऐसा नशा हो, ऐसी सेवा हो, तब पूरा वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव, रूहानी अथॉरिटी के साथ
निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। कहते हैं ना, जिस फल में, जिस वृक्ष में जितने फल लगते हैं वो उतना ही झुक जाता है, और देखो जितने मीठे फल लगते हैं पत्थर भी उसको ही पड़ता है। तो बाबा यही कहते हैं, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। जितना ज्ञान स्वरूप होंगे, धारणा स्वरूप होंगे, रूहानी अथॉरिटी होगी, उतने ही निर्माण होंगे, और जितने निर्माण होते जाएंगे सर्व के स्नेही बनते जाएंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जिसको बाहर की दुनिया का बहुत ज्ञान हो, बहुत डिग्री हो, तो उनमें देखो कैसा देह अभिमान, देह अहंकार आ जाता है। और जो सत्य बाप से सत्य ज्ञान ले, ये सत्यता की अथॉरिटी है जिनके पास, तो उनमें शुद्ध नशा होता है, वो देही अभिमानी होते हैं, निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। सोच में भी अथॉरिटी, अधिकारीपन, लेकिन बोल में स्नेह और नम्रता। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी हमें बनना है। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। त्याग करना है, जब तक विकारों का त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, भाग्य बनेगा? तो बाबा कहते हैं भाग्य का आधार त्याग है, देह अभिमान का त्याग करना है, विकारों का त्याग करना है। ऐसे कहेंगे किचड़े का त्याग, वो त्याग भी नहीं है, हमने अपने किचड़े का त्याग किया, ऐसे बोलते हैं? किचड़ा तो है ही बेकार, वो तो वैसे ही फेंका जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा कुछ भी त्याग त्याग है ही नहीं, हम तो पद्मापदम भाग्यशाली हैं। दुनिया को लगता है त्याग किया है, लेकिन हमने पाया क्या है ये तो हम ही जानते हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला स्कॉलरशिप लेना है तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। दूसरा लायक ब्राह्मण बनना है। हाँ, पढ़ो पढ़ाओ, बाबा ने कितनी निशानियां बताई। किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। गीता ज्ञान कंठ हो, औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, एक दूसरे से रूठना नहीं है, किसी में कोई भी तरह का भूत ना हो, देही अभिमानी रहना है, लायक ब्राह्मण बनना है। तीसरा शिव बाबा की बैंक लिमिटेड समय के लिए खुली है, रिटर्न क्या है, अनलिमिटेड है, तो अपना सब कुछ सफल करना है। चौथा सत्य ज्ञान स्वरूप बनना है, अथॉरिटी भी हो साथ ही साथ निरंकारिता हो, नम्रता हो, स्नेह हो, अथॉरिटी भी हो और नम्रता भी हो। और पांचवा त्याग से भाग्य बनता है, त्याग से भाग्य बनता है। ओम शांति।